हेलो एवरीवन, पॉपली किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने लड्डू तो कई प्रकार के बनाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ जो लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इन लड्डू को बनाने के लिए हमें आटा भूनने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूनिक लड्डू रेसिपी है, ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए देना करते हुए ये लड्डू बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कटोरी छना हुआ गेहूँ का आटा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सभी चीज़ें जो मेज़र करूँगी वो कटोरी से ही करूँगी, तो इसलिए कोई एक मेज़रमेंट रख लीजिए सभी चीज़ों को नापने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने जिस कटोरी से गेहूँ का आटा लिया था, हम उसी कटोरी से आधा कटोरी लेंगे बेसन। और फ्रेंड्स, और एक बात, हमें यहाँ पर बेसन या फिर गेहूँ का आटा कटोरी में दबा करके नहीं लेना है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पर बेसन को छान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बेसन छान लिया है। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर आधा कटोरी सूजी। सूजी से लड्डू में एक अच्छा क्रंच आता है, तो एकदम दानेदार, बहुत ही टेस्टी बनते हैं लड्डू। तो मैं यहाँ पर आधा कटोरी ले रही हूँ। आप यहाँ पर बारीक वाली या मोटी वाली कोई भी सूजी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर 2 पिंच के करीब डालेंगे नमक। यह हमारे लड्डू में जो मीठा ज़्यादा पड़ जाता है उसको बैलेंस करेगा। तो अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर लगाना है मोइन। तो मोइन लगाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा कटोरी घी, जिससे हमने बेसन गेहूं के आटे को नाप करके लिया था, मैंने उसी कटोरी से घी लिया है। तो घी आप यहाँ पर मेल्टेड ही लीजिएगा। आप यहाँ पर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास घी या फिर बटर नहीं है तो आप उसकी जगह पर ऑलिव ऑयल, रिफाइंड ऑयल या फिर वनस्पति घी का इस्तेमाल कर सकते हैं लड्डू बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारा जो मोयन है वो परफेक्ट लगा है या नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लड्डू सा बन रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो मोयन है वो परफेक्ट लगा है। तो फ्रेंड्स, अब हमें इसे गूंथना है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हम इसे गूंथेंगे दूध से। आप यहाँ पर वैसे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप दूध से गूंथ रहे हैं इस आटे को, तो हमें यहाँ पर ठंडा दूध का इस्तेमाल करना है। और दूध को हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है आटे के अंदर। तो यहाँ पर एक हल्का टाइट आटा लगा करके तैयार करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मैंने आटा लगा करके रेडी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 1 कटोरी दूध लिया था, तो उसमें से आधा कटोरी दूध जो है वो बच गया है। तो हम इसको साइड में रख देते हैं। अब हमें है ना इस आटे के पेड़े बनाने हैं। तो आप पेड़े बना सकते हो, लोई बना सकते हो। मैं यहाँ पर पेड़े बना करके हल्का सा बीच में से चपटा कर लूँगी और इस तरीके से गड्ढा कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सभी पेड़े बना करके रेडी कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स, चलते हैं गैस की तरफ। अभी हमें इनको फ्राई करना है। मैंने जैसा कि बताया था कि मैं बहुत ही डिफरेंट तरीके से ये लड्डू बनाना बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आधा ऑयल और आधा घी ले रही हूँ पेड़ों को फ्राई करने के लिए। जो ऑयल है, जो हमारा घी है, वो मीडियम हॉट गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। यदि ज़्यादा ठंडा रहेगा तो जो हमारे पेड़े हैं वो ऑयल और घी को एब्जॉर्ब ज़्यादा कर लेंगे, तो हमारे जो लड्डू हैं बहुत ज़्यादा ऑयली बनेंगे। और यदि ज़्यादा गर्म रहेगा ऑयल हमारा, तो हमारा जो पेड़ा है, जो लोई है, वो ऊपर से तो सिक जाएगी लेकिन अंदर से वो कच्ची रहेगी। तो फ्रेंड्स, मैंने जितना एक बार में आने थे मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिए हैं। अब हमें यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना है, जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर एक ब्राउन कलर आ गया है पेड़ों के ऊपर, तो हम इनको निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर सेकंड बैच भी फ्राई कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे बना लेते हैं चाशनी। चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1.5 कटोरी चीनी। आप फ्रेंड्स, यदि आप चीनी में ये लड्डू नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप इसकी जगह पर ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस कटोरी से हमने चीनी मेज़र करी थी, हम उसी कटोरी से ले लेंगे 1 कटोरी पानी। और चीनी को है ना हमें मेल्ट होने देना है मीडियम फ्लेम पर, तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं जब तक हमारी चाशनी पक रही है। तो देखिए, मैंने जो पेड़े फ्राई करे थे, अब हमें उनको है ना इस तरीके से तोड़ लेना है।
तो मैंने यहाँ पर तोड़ लिए हैं। अब हमें इनको ग्राइंडर जार में डाल करके पीस लेना है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर पल्स मोड पर पीसना है, यानी कि हमें मिक्सी को रुक रुक कर चलाना है 3 से 4 बार। ये काफ़ी ईजली पिस जाते हैं और एकदम फाइन पाउडर नहीं करना है। यदि आप हल्का दरदरा टेक्सचर चाहते हैं लड्डू में तो एकदम फाइन ना करें। यदि आप बेसन के लड्डू जैसा टेक्सचर चाहते हैं तो काफ़ी अच्छे से पीस लीजिएगा। तो यहाँ पर आप छान भी सकते हैं या बिना छाने भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 15 से 20 काजू और बादाम को कट करके लिया था, तो ये हम डाल देंगे। आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके भी ले सकते हैं और डायरेक्ट भी कट करके डाल सकते हैं आटे के अंदर। तो देखिए मिक्स कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ, चाशनी को भी चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते होंगे कि चाशनी के ऊपर ये हल्की हल्की गंदगी आ रही है, तो हमें इस तरीके से छलनी से निकाल लेना है। जो भी इसमें धूल मिट्टी के कण होंगे वो काफ़ी ईजिली निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने छान लिया है चाशनी को। अब हमें इसमें 2 से 3 मिनट तक और अच्छे से उबालना है, जब तक कि हमारी चाशनी एक तार की ना हो जाए। आप देख पा रहे होंगे जो लास्ट ड्रॉप है एकदम उसमें तार बनना चाहिए। आप इस तरीके से भी फिंगर से भी लेकर के चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी इसको 1 मिनट और लगेगा पकने में। तो देखिए हमारे यहाँ पर जो चाशनी है वो बन करके रेडी हो गई है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स एक तार बन गया है। तो हम इस चाशनी को आटे के अंदर डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी चाशनी जो है वो गर्म है, तो फटाफट से हमें इस आटे के साथ चाशनी को मिक्स करना है। और फ्रेंड्स एकदम से हमें लड्डू नहीं बनाने हैं, 3 से 4 मिनट के लिए हमें रेस्ट पे रखना है। जैसे ही ये आटा हल्का सा ठंडा हो जाए लड्डू का, तब हमें इसके लड्डू बनाने हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर छू पा रही हूँ, हमारा जो आटा है इतना ठंडा हो चुका है। और फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच। आप इसकी जगह पर है ना हरी इलायची को कूट करके भी डाल सकते हैं लड्डू के अंदर। तो फ्रेंड्स अच्छे से मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पर बना लेते हैं लड्डू। यहाँ पर मैंने आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है, गांठे नहीं रहनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, वरना आपके लड्डू जो हैं कहीं मोटे कहीं पतले बनेंगे, एकदम इक्वल शेप में नहीं बनेंगे। फ्रेंड्स यदि आपको इस स्टेज पर घी की रिक्वायरमेंट लगे तो आप घी को मेल्ट करके डाल सकते हैं, लेकिन मुझे जो लड्डू थे वो कम घी में बनाने थे, इसलिए मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ लड्डू बनाने के लिए। और फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं यहाँ पर सभी लड्डू बना करके रेडी कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ये सभी लड्डू बना करके रेडी कर लिए हैं। मैं आपको एकदम पास से दिखा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही हेल्दी ये लड्डू बन करके तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स आप इन लड्डू को स्टोर करके रख सकते हैं 1 से 2 महीने के लिए। यह लड्डू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। फ्रेंड्स अब मैं इन लड्डू को तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा ये लड्डू सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इन लड्डू को बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही ज़्यादा यूनिक तरीके से बनाया है। तो फ्रेंड्स आप इन लड्डू को किसी फेस्टिवल पर बना सकते हैं या फिर किसी व्रत में बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, यूनिक लड्डू रेसिपी है। और आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हेल्दी रेसिपीज़ के लिए पॉपुलर किचन रेसिपी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।